जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए जो लोग लाइफ में रिस्क लेने से डरते हैं, जो लोग लाइफ में बिजनेस में रिस्क लेने से डरते हैं, ये वीडियो आज उनके लिए है। एक बुक है जिसका नाम एक रॉबर्ट ई कियोसाकी है। ये बहुत बड़ा रिसर्चर है, इसने रिसर्च किया, इसने तहकीक की कि जो लोग लाइफ में रिस्क नहीं लेते उनका अंजाम क्या होता है, वही लोग कामयाब नहीं हो पाते। रॉबर्ट ई कियोसाकी जो बहुत बड़े रिसर्चर गुजरे हैं, वो अपनी बुक में लिखते हैं कि चंद बाज़ुकात कुछ ऐसे लोग जिनकी तलीम एजुकेशन बहुत होती है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते, वो कभी भी अपना फ्यूचर नहीं बना पाते। और कभी कभार बाज़ुकात वो लोग जिनकी तलीम नहीं होती, जिनकी एजुकेशन नहीं होती, और वो लोग कामयाब हो जाते हैं और वो लोग अपना फ्यूचर बना लेते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप लाइफ में रिस्क नहीं लेते तब तक कामयाबी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे रॉबर्ट ई कियोसाकी, उसने बाकायदा मिसाल दे के उसने हमें समझाया। वो जो हम KFC का बाबा, जो अक्सर हर जगहों पे लगा होता है, जो बाबा बैठा होता है, उसकी मिसाल दी कि हज़ारों नाकामियों के बावजूद भी वो अपने काम में लगा रहा। जब उसने काम स्टार्ट किया तो उसने एक फार्मूला, चिकन फ्राई करने का फार्मूला जगह जगह पेश किया, लेकिन वहाँ पर उसको हर जगह से रिजेक्शन मिली, हर जगह से नो मिली, हर जगह से लोगों ने कहा कि नेवर, आपका फार्मूला रिजेक्टेड है, ये अच्छा फार्मूला नहीं है। लेकिन वो लगा रहा और वो एक दिन उसका फार्मूला कामयाब हुआ और वो बड़े लेवल का रेस्टोरेंट बनाया और वो कामयाब हुआ। और आज आपको देखने को मिलेगा हर सिटी, हर शहर, हर कंट्री में बाबा KFC वहाँ मौजूद होता है। आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आपको रास्ते में KFC मिलता है, आप बड़े शहर में जाते हैं तो आपको KFC मिलता है और वो ब्रांड मिलता है। और जब भी KFC में आप इंटर होते हो तो वहाँ पर आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, KFC फुल होता है। देखिए, अब उसने कहा कि मुझे, मेरी नाकामियों ने मुझे सिखाया है। बाज़ुकात जो आपको कामयाबी नहीं सिखाती वो आपकी नाकामियाँ सिखा जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो सबक होता है ना, वो आपकी नाकामियाँ आपको दे के जाती हैं। कामयाबी से वो सबक नहीं मिलता जो नाकामियों से मिलता है। और कैसे का बाबा नाम तो आप जानते ही होंगे, वो कहते हैं कि मेरी जो कामयाबी का राज है ना, वो मेरी नाकामी है। मैंने अपनी नाकामी से बहुत कुछ सीखा है, मैंने अपनी रिजेक्शन से बहुत कुछ सीखा है, मैंने लोगों से बहुत कुछ सीखा है, मैंने फील्ड से बहुत कुछ सीखा है। देखें, आपको आपकी नाकामियां आपको बहुत सबक दे रही होती हैं, आपकी नाकामियां आपको बहुत कुछ सिखा रही होती हैं, आपकी नाकामी आपको मैच्योर कर रही होती है, आपकी नाकामियां आपके अंदर एक बड़े लेवल का रिस्क लेने का पैशन और एक विजन और एक कैपेसिटी पैदा कर रही होती है। और जो कहते हैं कि जिसने नाकामी नहीं देखी वो कामयाबी का हकदार भी नहीं है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले नाकामी देखनी पड़ेगी। अब बहुत से लोगों को डर होता है फेल एंड फेलियर्स का, कि मैं नाकाम ना हो जाऊँ, कि मैं मेरा बिज़नेस लॉस में ना चला जाए, कि मेरा बिज़नेस स्टॉप ना हो जाए, कि मेरा बिज़नेस में मुझे नुकसान ना हो जाए। देखिए, लाइफ में रिस्क लेने वाला इंसान ही कामयाब हुआ है। वैसे भी कहा गया नो रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लोगे कभी बड़ा रिस्क नहीं कमा पाओगे। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि रिस्क लेने से मत डरें, रिस्क लेने से मत घबराएं, रिस्क लेने से परेशान ना हो, क्योंकि जो रिस्क ले के बैठे होते हैं उसी में ही आपकी कामयाबी होती है, उसी में ही आपका फ्यूचर होता है, उसी में आप आने वाले कल में एक बड़े लेवल के बिजनेसमैन बन जाते हैं। ये एक पॉइंट था जो रिस्क लेने से डरते हैं उनके लिए। इंशाल्लाह कल फिर सेकंड पॉइंट के साथ मैं पेश होऊंगा कि सेकंड पॉइंट कौन सा जिसके, जो आप उसको समझें और आगे
आगे बढ़ें ताकि आने वाले कल में आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकें और कामयाब हो सकें। वो चार चीज़ें जो लोग करने से डरते हैं और वो हमेशा नाकाम रह जाते हैं, पहला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया। तीन पॉइंट इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। काइंडली आप इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। इंशाल्लाह इस तरह की और भी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह आपको एक ऐसा वे दूंगा जिस पे आप चलकर अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, अपने ख्वाबों को पूरा कर पाओगे और अपनी फैमिली के ख्वाबों को पूरा कर पाओगे। गाड़ी भी होगी, घर भी होगा, इज्जत भी होगी, शोहरत भी होगा, नाम भी होगी, पहचान भी होगी, सब कुछ इंशाल्लाह वो चीज़ जो आप लाइफ में चाहते हैं वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको यहाँ से मिलेंगी, इस वीडियो से मिलेंगी, इस टॉपिक से मिलेंगी। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स दे के जाऊँगा जिन पे अमल करके आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करके आप आने वाले कल में कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह।